सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कद्दू की एक स्पेशल और टेस्टी डिश। मतलब इसको सीताफल भी बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं कहिएगा और सीताफल भी बोलते हैं। तो बड़ी टेस्टी सब्जी बनने वाली है। और इसके लिए चाहिए हमें मेथी दाना तड़के के लिए, और चाहिए हींग, थोड़ा सा हींग से थोड़ा स्वाद अच्छा आता है। और यहाँ पे मेरा कढ़ाई में हो रहा है तेल गरम, और तेल जब गरम हो जाए तो ये सारे दाने इसमें हम डाल देंगे और हींग भी डाल लेंगे साथ में। और अब हम इसमें सीताफल ऐड करेंगे। और सच में आज लाजवाब बनने वाली है सब्जी हमारी, तो आप देखते रहिए प्लीज़ पूरी वीडियो। ये हमने सीताफल इसमें डाल दिए हैं, और इसी तरीके से हम सारे सीताफल इसमें ऐड कर लेंगे। सारे सीताफल हमने इसमें डाल दिए हैं, और ये बेसिक मसाले हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो बेसिक मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, मिर्ची पाउडर, मिर्ची अपने अकॉर्डिंग लेना, और जो जितनी मिर्ची खाते हैं, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, पर इसमें धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा लेना धनिया पाउडर, क्योंकि ना मिर्ची करेगी ना नमक करेगा, सिर्फ टेस्ट देगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा। और हल्दी पाउडर भी थोड़ा कलर के अनुसार। और अब डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक इसमें। ये हमने नमक भी ऐड कर लिया है, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। और अब ये बताना भूल गई थी, ये मैंने अलग से रखा हुआ है अमचूर पाउडर। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अमचूर पाउडर, जो कि बहुत ज़रूरी है इसमें। और हमने डाल दिया अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर आप 2 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, और जिनको ज़्यादा खट्टी चाहिए वो 3 भी ऐड कर सकते हैं, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देना उसमें। और अब हमने ये मिक्स कर दिया है, और अभी रह गया है इसके लिए स्पेशल कश्मीरी मिर्च। तो आपको पता ही होगा कश्मीरी मिर्च तो तीखी लगती नहीं है, बट कलर देती है शानदार, तो इसलिए मैं कश्मीरी मिर्च ज़रूर ऐड करती हूँ सब्जी में, क्योंकि सब्जी का मतलब जो खूबसूरती है वो और उभर के तो बहुत ही अच्छा लगा। और देखो अभी तो बनी भी नहीं है, और उसके बावजूद भी देखो आप कलर कितना सुंदर कलर आ गया। इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे मसाले को। ये मसाले हमने मिक्स कर दिए हैं इसमें सारे मसाले। देखो अभी कितना सुंदर लग रहा है, अभी तो बनी भी नहीं है सब्जी। आया ना मुंह में पानी? नहीं आया, आया होगा ज़रूर। और उसके बाद हम ऐड करेंगे गुड़, और गुड़ ऐड करने के बाद बनेगी हमारी ये खट्टी मीठी सी और चटपटी सी, बिल्कुल भंडारे जैसी सब्जी। और हमने इसमें गुड़ ऐड कर लिया है, तो आप मतलब जितना केजी आप सीताफल यूज़ करोगे उस हिसाब से आप गुड़ ऐड करना उसमें। मैंने तो ये आधा केजी में इतना ही यूज़ करा है गुड़, आप देख सकते हैं। और सच में ये बहुत लाजवाब डिश है। और थोड़ा मैंने 1 कप पानी डालने के बाद ढक्कन लगा दिया इसमें, ताकि ये पक जाए। 15-20 मिनट के लिए ढक देना है इसको, 15-20 मिनट आराम से पकने दें इसे, और तभी चेक करें 15-20 मिनट बाद। ये वाओ, आया ना मुंह में पानी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसे आप पूरी के साथ ही खाना, तो आपको बिल्कुल भंडारे वाला टेस्ट लगेगा, और सच में ये बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी।